हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। ये यूनिट का नाम है। इस यूनिट में कई चैप्टर्स आपको मिलेंगे, कई चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स में जो पहला चैप्टर हमारा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, हम इसका अध्ययन करेंगे, सरल रेखा में होने वाली गति के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो काइनेमेटिक्स है ये है क्या। इसको जानने के पहले हमें समझना होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट हैं, एक तो स्थित विज्ञान, स्टैटिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, रेस्ट अंडर द फोर्सेज, मतलब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा हुआ है और वो रेस्ट में है। इस बात का अध्ययन हम स्थित विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये जो काइनेमेटिक्स है, शुद्ध गति की, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, करा मोशन विदाउट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। हम इसमें मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन जो गति के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन गति के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, जैसे बल हुआ, द्रव्यमान हुआ ना, इसके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। बल के बारे में, भाई जब तक बल आप आरोपित नहीं करेंगे तब तक तो मोशन होगा ही नहीं, गति होगी ही नहीं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट है डायनेमिक्स, गति विज्ञान। अब गति विज्ञान में क्या करते हैं, हम लोग मोशन पढ़ते हैं, अब मोशन के कारणों को पढ़ते हैं ना, मोशन होता क्यों है ना, फोर्स के कारण, तो फोर्स कारण, तो फोर्स भी उसमें हम समाहित करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहूँगा बेटा, जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो मैथ्स के तीन पेपर होते थे। तीसरा पेपर हम लोगों का यही स्थित विज्ञान और गति विज्ञान का था, मैथ्स में स्थित विज्ञान और गति विज्ञान, ये सबसे हार्ड पेपर माना जाता था, लेकिन होता नहीं है। हार्ड पेपर हम लोग मानते थे अपने समय में। और अन्य दो पेपरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, इसलिए हार्ड कहते हैं इसको। फिलहाल आप तो, आप लोगों की मैथ्स जो है एकदम इंटरमीडिएट में, मैथ्स को तो बहुत ही कम कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। 11th 12th मिला दें तब भी उतना नहीं होता है, ठीक है। हमको उस पर चर्चा नहीं करना है, तो हमको मोशन पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और किस में पढ़ना है हमको, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये किसके अंतर्गत आता है, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, शुद्ध गतिकी के अंतर्गत। अभी सबकी हम डिफिनेशन लिखवाएंगे आपको डिटेल में, लेकिन अब हम चलते हैं कक्षा 9 में, क्योंकि आगे भी कई बातें आएंगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा ना, निर्देश तंत्र। तो पहले हम 9 में चलते हैं कि 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। 9 में हम लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में। यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार बदल रही हो तो हम कहते हैं वस्तु स्थिर है, सॉरी सॉरी, वस्तु गतिमान है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा हमने, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, जो स्थिर बिंदु हम लोग कह दिए कि जैसे मान लीजिए कि इस, एक सेकंड, हमने इस स्थिर बिंदु को हमने ले लिया, बड़ा बनाया हूं भाई, बिंदु छोटा होता है,
ले लिया। अब देखिए मेरे हाथ को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। अब देखिए मेरी अंगुली है, इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। तो अब हमारा ये जो उंगली है, फिंगर है जो, तो इसे क्या कहा जाएगा, गतिमान। इसकी स्थिति लगातार बदल रही है ना, इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष लगातार बदल रही है। भाई अगर आप यहाँ खड़े होकर देखें तो आप देखेंगे ना कि अंगुली लगातार हमसे दूर जा रही है, इसकी स्थिति बदल रही है। बोलो तो कहोगे कि ये क्या है, उंगली क्या है, गतिमान है। इसी पॉइंट को हम कहेंगे आपको निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे आगे, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र कहेंगे। अब देखिए पहले एक चीज और, मैंने ये ले लिया, ऐसे ले लिया अपने दोनों उंगलियों को बांध दिया। मान लीजिए आप लोग एक उंगली देख रहे हैं, एक दाहिने हाथ की एक बाएं हाथ की। अब देखिए मेरी दोनों अंगुलियां निर्देश तंत्र यानी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार दूर होती जा रही है, या मेरी दोनों अंगुलियों की स्थिति स्थिर बिंदु से लगातार बदल रही है, इसलिए दोनों अंगुलियां क्या कहलाएंगी, गतिमान कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, गतिमान कहलाएंगी। ठीक, ये बात समझ गए। लेकिन यही जरा देखो कि एक दाएं हाथ की उंगली है, एक बाएं हाथ की उंगली है ना। अब देखो, अब गति तो कर रहा है, लेकिन क्या इन दोनों अंगुलियों की स्थिति, क्या इन दोनों अंगुलियों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष बदल रही है? नहीं, उनके बीच की जो दूरी है वो फिक्स है। तो ये दोनों अंगुलियां जो है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष तो गतिमान है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बदल नहीं रही है, पोजिशन इनका बदल नहीं रहा। आपको बताऊं कि पूरे ब्रह्मांड में मैं नौ मिले चल रहा हूं, आपको कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि विराम अवस्था में हो। सच्चाई यह है कि सबके सब गतिमान है, सबके सब क्या है, गतिमान है। कहेंगे साहब आपने ये क्या कह दिया। हाँ ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो ना, बैठे हो ना आप, हैं मुझको देख रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो बैठे हो, लेकिन आप गतिमान हो। बैठे कहाँ हो यार, बैठे कहाँ हो, कुर्सी पर, चौकी पर, चारपाई पर, चाहे जहाँ बैठे हो आप, छत पर, चाहे जहाँ बैठे हो आप गतिमान हो। कैसे गतिमान हो, क्योंकि आप पृथ्वी पर विद्यमान हो, अर्थ पर हो, पृथ्वी पर हो, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष के परितः घूम रही है। और जब पृथ्वी घूम रही है तो हम आप कहाँ नहीं घूम रहे हैं, हम आप भी तो गतिमान हुए। क्लियर सी बात, तो हम आप गतिमान है किसके सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, इसीलिए पृथ्वी के सापेक्ष हम क्या हैं, विराम अवस्था में हैं। मैं खड़ा हूं, गतिमान हूं क्या, हाँ गतिमान हूं, किसके सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। स्थिर हूं क्या, हाँ स्थिर हूं, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। तो निर्देश फ्रेम आपको मिलेगा दो तरह का मिलेगा, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय, एनर्शियल एंड नॉन एनर्शियल फ्रेम मिलेगा आपको आगे। तो जिसके सापेक्ष आप स्थिर बता सके, जिसे हम पृथ्वी के सापेक्ष क्या हैं, स्थिर हैं, ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, हम स्थिर हैं, ठीक है, पृथ्वी या किसी पॉइंट के सापेक्ष हम क्या हैं, गतिमान हैं। यहाँ न्यूटन गति विषयक तीनों नियम लगते हैं। अगर पृथ्वी को निर्देश फ्रेम मान लिया जाए
तो न्यूटन गतिविषयक तीनों नियम लगते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा को निर्देश फ्रेम मान लिया जाए तो यहां पर न्यूटन गतिविषयक तीनों नियम नहीं लगते। कौर साहब कैसे? अच्छा बताओ, आपने गति के तीन समीकरण पढ़ा, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा आपने, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा आपने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस पढ़ा आपने, तीन तो पढ़ा आपने। बोलो ये सारे के सारे मोशन कहाँ हो रहे हैं? अर्थ पर। कहाँ हो रहे हैं? अर्थ पर ना, अर्थ पर हो रहे हैं। और यहां मून की बात हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया, तब जाकर के ये न्यूटन के तीनों नियम सही हैं। अगर मून को भी इसके साथ ले लें तभी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यहाँ पृथ्वी की गति को क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया, पृथ्वी स्थिर है, तब जा करके ये तीनों फार्मूला लग रहा है आपके। अगर चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी की गति की गणना किया जाए तब तो ये गलत हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। भाई आप यही कहते हो ना, एक वस्तु है प्रारंभिक वेग यू से चल रही है, टी समय बाद इसका वेग क्या हो जाता है? वी हो जाता है, यही कहते हो। तो 30 समय बाद भी हो रहा है, कब? जब पृथ्वी आपकी क्या है? रेस्ट में है। कहाँ है? रेस्ट में है। अगर रेस्ट में न होती तब तो वेग कुछ और हो जाता। और कभी कभी कहते हैं विरामावस्था, क्या कहते हैं? विरामावस्था। जब विरामावस्था की बात आती थी हम लोग कहते थे यू बराबर जीरो, और हमने कहा कि कोई वस्तु विरामावस्था में है ही नहीं, लगातार गति कर रही है। तो पृथ्वी कैसा फ्रेम हुआ? जड़त्वीय। अरे भाई जड़त्व का नियम ही तो न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम है। बोलो तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कौन है? इसमें न्यूटन लॉ, न्यूटन गति विषयक या न्यूटन की जो लॉ है जिस पर अप्लाई हो, जिस पर लगे, वह क्या, कौन सा फ्रेम है? वो जड़त्वीय इनर्शियल फ्रेम है वो। और जिस पर न लगे वह क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बेटा तो फ्रेम की बात कर दिया, और यहां हमने कर दिया कि जो गति जिस बिंदु के सापेक्ष हमारी गति हमारी पोजीशन बदल रही है उस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। अभी तो इंट्रो चल रहा है बेटा, अभी डिफिनेशन आपको लिखाएंगे सबकी। अब जरा देखो, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा ढकनी यार ढकनी भूल जाता हूं अपनी मैं। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। कोई पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उसकी स्थिति कहां से बदल रही है? जीरो 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 से। या यहां पर आप यहां खड़े हो गए, आप यहां खड़े हो गए, यहां से कोई बस मान लीजिए दूरी ए है, यहां से कुछ दूरी है, यहां से कुछ दूरी है, पॉइंट एक ही हुआ ना, एक ही पॉइंट निर्देश इस पर तो एक ही निर्देशांक होगा ना। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट धीरे 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 जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट इस वस्तु की स्थिति इस पॉइंट के अनुसार बदल रही है, इस पॉइंट से बदल रही है इसकी स्थिति। तो ऐसे मोशन को वन डी वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ रही है, रेलवे ट्रैक पर क्या दौड़ रही है? ट्रेन। हाँ स्ट्रेट है ये, इसका मोशन क्या हुआ? वन डी हुआ, एक डायमेंशन में हुआ। ठीक है, कोई बाल है नीचे की तरफ गिर रहा है, एक लाइन में गिर रहा है, ये क्या हुआ? वन डायमेंशन मोशन है। अब देखिए टू डी की बात करूंगा, अभी सब लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, टू डी की बात कर रहा हूँ। जो टू डी मोशन होता है बेटा प्लेन में होता है। टू डी मोशन कहाँ होता है? टू डी प्लेन में होता है, प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन है,
ना एक्स वाई प्लेन में। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, यहाँ था यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ था यहाँ पहुँच गया, जरा देखो अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह मान लो एक्स वन है वाई वन है, ध्यान पहले क्या है एक्स वन है और वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू है वाई टू है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इसकी स्थिति क्या हो रही है बदल रही है, यहाँ एक्स वन वाई वन थी, यहाँ एक्स टू वाई टू थी, यहाँ एक्स थ्री क्या थी एक्स थ्री वाई थ्री, इस कण की पोजीशन एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के दोनों से बदल रही है ना, इसलिए क्या हुआ ये 2D मोशन हुआ, क्या हुआ 2D मोशन। 2D मोशन में और कौन कौन सा मोशन आता है, सपोज करो कि सर्कुलर मोशन हमने ले लिया, क्या ले लिया वृत्तीय गति, क्या ले लिया वृत्तीय गति, अब बताओ इस कण का पोजीशन लगातार बदल रहा है कि नहीं, लगातार बदल रहा है, किससे बदल रहा है यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, इसका अगर कोऑर्डिनेट निर्देशांक लेते हो ये अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी बोलो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से इसकी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है, इसलिए जो वृत्तीय गति है क्या है ये 2D मोशन है, क्या है 2D मोशन। प्रक्षेप गति ले लो बेटा, या प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति कैसी गति है बेटा, देखो यक्ष अक्ष यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ, इसका कोऑर्डिनेट कुछ, इसका कोऑर्डिनेट कुछ, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष देखो ये कोऑर्डिनेट हुआ, इसका कोऑर्डिनेट इस पर लंब इस पर लंब, इसका कोऑर्डिनेट इस पर लंब इस पर लंब ना, इससे कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं कि नहीं यक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस से, और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन था केवल यक्स एक्सिस पर जितने कोऑर्डिनेट्स थे उनसे इसकी स्थिति बदल रही थी, यहाँ यक्स वाई दोनों से इसकी स्थिति क्या हो रही है बदल रही है, तो ये क्या हो गया ये 2D मोशन, क्या हो गया ये 2D मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। अब बताओ चलो चलो जेड एक्सिस को हमने ऐसे ले लिया, ये प्लेन में था अभी हवा में हो गया, कहाँ हो गया कहो साहब प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो हवा में है, जैसे आपने यहाँ से गेंद फेंका, ऐसे आपने गेंद फेंका अब तो ब्लैक ऐसे गई है, लेकिन अगर इसके पीछे एक पर्दा लगा दें तो उस पर्दे को स्पर्श करती हुई जाएगी, ये उस पर्दे को स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ ये प्लेन मोशन हुआ, मोशन इन प्लेन, क्या हुआ ये समतल में गति, मोशन इन प्लेन। तो हमने कहा प्लेन में जो मोशन होता है वह क्या करता है, वह क्या होता है टू डायमेंशनल होता है, क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक बेटा, और इस मोशन की टू द्विविमीय गति की द्विविमीय गति यानी 2D मोशन या टू डायमेंशनल मोशन में एक ही समय पर दो डायरेक्शन दो दिशा को बताता है, जरा देखो पहले आप पढ़ेंगे, एक तो ये स्ट्रेट ऐसे जा रही है और दूसरे ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जरा देखो ये आगे भी बढ़ रही है ऊंचाई भी कवर कर रही है, आगे भी बढ़ रही है और ऊंचाई भी कवर कर रही है, देख रहे हो कि नहीं, यहां भी जाओ इसका मोशन ये ऊंचाई ये, यहाँ मैक्सिमम पर जाओगे, जब मैक्सिमम पर जाओगे तब क्या होगा ये अब ये ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर का जो मोशन है इसका क्या है जीरो है, केवल क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक ना, इसके बाद फिर नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही है तब भी आगे बढ़ रही है, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ मोशन के डायरेक्शन ये एक मोशन का डायरेक्शन ये, मतलब दो दिशा में गति ही कर रही है, तो 2D मोशन जो होता है टू डायमेंशनल मोशन जो होता है एक ही समय में दो दिशा को व्यक्त करता है, सब लिखवाया जाएगा सब लिखवाया जाएगा, आज तो केवल इंट्रो दे रहे हैं आपको। अब आइए 3D की बात करिए, 3D मोशन, चल ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस है, अब जेड एक्सिस को तो ऐसे ही दिखाएंगे, अगर
दिखाना है तो हमने पेन रख दिया यहाँ पर, मार्कर रख दिया, ये तो दिख रहा है जेड एक्सिस, लेकिन अगर खींचना होगा तो हम तो यहाँ पर दिखाएंगे ऐसे जेड एक्सिस ना। चलिए भाई, हमने यहाँ पर रख दिया, अब कोई चीज उड़ रहा है बेटा ऐसे हवा में, पतंग, ठीक है। अब उसका पोजीशन जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तीनों से बदल रहा है। क्या बदल रहा है? तीनों एक्सिस से बदल रहा है, इसलिए इसका मोशन क्या हुआ, ये 3D। जब किसी वस्तु की स्थिति केवल केवल तीन अक्ष होते हैं, ध्यान दो पहले, तीन अक्ष होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई मोशन किसी एक अक्ष के अनुदिश हो रहा है तब तो 1D है, अगर ना क्या है 1D है, यूं कह लो मूल बिंदु से अगर केवल उसकी स्थिति बदल रही है तो क्या है 1D है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की स्थिति एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से बदल रही है तो वो 2D है। अगर किसी वस्तु की स्थिति एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से बदल रही है तो वह क्या है, वो 3D मोशन है। क्या है? 3D मोशन है। और बता दूं आपको, वन से जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं तीन होते हैं, कितने होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तीन, तीन होता है तीन कोऑर्डिनेट। जिस मोशन में पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को दिखाने के लिए केवल एक निर्देश की, एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, वह क्या है 1D। इसमें कितने कोऑर्डिनेट की? दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। अब इसमें तीसरे में क्या होता है, 2D में है ये, इसमें क्या है 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। सब आगे डिटेल में चलेंगे बेटा, ठीक है, ये हो गया रिफरेंस फ्रेम में आपने देखा। रिफरेंस फ्रेम वही है जिसके सापेक्ष आपकी स्थिति बदल रही है। नवमी में हम लोग केवल बिंदु कहे थे, क्या कहे थे, बिंदु कहे थे, केवल बिंदु कहे थे, लेकिन अब हम बिंदु नहीं कह रहे हैं, अब हम बिंदु नहीं कह रहे हैं, अब हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र। आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो केवल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, केवल इंट्रोडक्शन इसमें चल रहा है बेटा, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। चलिए फिर देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मोशन में जैसे 1D, 2D, 3D हो गया, ये तो कोऑर्डिनेट के आधार पर हो गया। अगर हम केवल स्थिति के अनुसार बात करें तो तीन तरह का मोशन है, कौन कौन सा, सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। उसमें आपको बताए थे बेटा, याद करिए, जब कोई कण किसी स्ट्रेट पाथ पर, एक सीधी रेखा पर चलता है तो उसके मोशन क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति, ठीक है। लेकिन जब कोई कण की जगह कोई वस्तु हो जाए, जैसे देखिए पहले स्टेट पाथ है, कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई कण चल रहा है, तब क्या है, ये सरल रेखीय गति है। क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब क्या है, स्थानांतरीय गति है, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है? स्थानांतरीय गति। एक चीज दूसरा आप पढ़े थे, वृत्तीय या घूर्णन गति, जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स बिंदु के परितः मूव करता है, पार्टिकल, तब वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है बेटा। आप जरा देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपने कील गाड़ के फिक्स कर दिया, अब आप इसको रोटेट करा रहे हो, जब ना रोटेट करा रहे हो, ये पूरी की पूरी वस्तु इस अक्ष के परितः घूम रही है, तब इसकी गति क्या कहेंगे, घूर्णन गति।
क्या कहेंगे? घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं बेटा, जरा देखो घूर्णन गति में जो पार्टिकल्स हैं, जरा देखो पार्टिकल कैसे गति कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल कैसे गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल कैसे गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो घूर्णन गति के में वस्तु के प्रत्येक कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी वृत्तीय गति करते हैं। अब पूरी वस्तु क्या करती है, घूर्णन गति करती है। नौ में पढ़ाया हूँ, मैं ही पढ़ाया हूँ। अच्छा, फिर एक बात आई थी, याद करिएगा कि दोलन या कंपनिक गति। क्या? दोलन या कंपनिक गति। तो बेटा दोलन या कंपनिक गति क्या है, कि जब कोई वस्तु अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखो, यह क्या है, दोलन गति, टू एंड फ्रो मोशन। क्या? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन, इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, वाइब्रेशन में भी ऐसे ही होता है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति। लेकिन कहोगे साहब कंपन में भी कण मध्यमान की स्थिति के इधर उधर गति करता है, और दोलन में भी कण मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक अंतर है बेटा। क्या? जो दोलन गति होता है उसका आयाम बड़ा होता है, और जो कंपन गति होता है उसका आयाम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आयाम क्या होता है, बहुत छोटा। अरे यार कंपन कांपना यार, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कंपन गति है। क्या है, कंप रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, आप किसी मेज पर ठोकिए तो झनझनाहट पैदा होती है, तो उस समय आपके कण कौन सी गति कर रहे हैं, कंपनिक गति कर रहे हैं। कौन सी गति कर रहे हैं, कंपनिक गति कर रहे हैं ना। अब आप पूरा झूला झूल रहे हैं, तब दोलन गति। तो वह दोलन गति जिसका आयाम बहुत छोटा हो वह क्या कहलाती है, कंपनिक गति। दोनों में एक चीज कॉमन है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते हैं ना। अब मध्यमान स्थिति किसी एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, आयाम। मध्यमान स्थिति किसी एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, आयाम। तो दोलन का आयाम, जब आयाम बड़ा हो तब क्या कहेंगे, दोलन। जब आयाम बहुत छोटा हो तब क्या कहेंगे, आयाम बहुत छोटा हो तब क्या कहेंगे, कंपन। क्या कहेंगे, कंपन। तो जो मुझे आज पढ़ाना था, लिखाना था, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।